आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बहराइच में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेक इन इंडिया का नारा देने वाले शेर की आवाज चूहे जैसी भी नहीं, ऐसे में नारे का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि बाजार में हर जगह मेड इन चाइना है। आदमी जाता है, पिक्चर देखता है, बाहर आता है, फिर अपने आप से पूछता है, भैया ये क्या था। सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। 2.5 साल बाद पता लगा मोदी जी ने अच्छे दिन वाली पिक्चर की बात की थी, दिल वाले दुल्हनिया की बात की थी, और चल गई शोले आ गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के बाद प्रदेश भर में गधे पर बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। अब आजम खान ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात के गधों से देश को भारी नुकसान हो रहा है। उधर बसपा पर निशाना साधते हुए आजम ने बसपा को मुस्लिम विरोधी बताया। कितनी बुरी बात है, एक हंसी की बात थी, सीएम साहब ने कह दिया, तो अब चलो अच्छा हुआ। लोगों को मालूम नहीं था कि गुजरात में गधे ज्यादा रहते हैं, अब पता चल गया कि गुजरात में गधे बहुत रहते हैं और गधों की वजह से देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। मोदी जी गधों को दौड़ने दीजिए और समाजवादी पार्टी को यहाँ सरकार बनाने दीजिए। बलिया ग्रसड़ा में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन लुटेरों का गठबंधन है। तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी साध्वी निरंजन ज्योति ने जमकर सवाल खड़े किए। हरदोई में एक बार फिर होमगार्ड का पैर पुलिस लाइन गेट पर लोहे के पाइप के बीच फंस गया। होमगार्ड का पैर फंसा देख वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद पाइप काटकर होमगार्ड का पैर बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। और तलब है कि कुछ दिन पहले भी एक सिपाही का पैर इन पाइप के बीच फंस गया था। रायबरेली के जिला अस्पताल चौराहे पर स्थित मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। लोगों की माने तो काफी देर तक फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। आखिरकार लोगों ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी, तब जाकर उन्होंने फायर ब्रिगेड को भेजा, लेकिन तब तक दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। मुजफ्फरनगर में दो बाइक सवारों के बीच हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। मामला इतना गरमाया कि दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर ईंट पत्थर चले। मामले की सूचना पुलिस को लगी तो डायल 100 की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया गया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के हृदय स्थल शिव चौक पर शिव आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तगणों ने पहुंचकर हिस्सा लिया। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट नईम अहमद समेत सीओ सिटी डॉक्टर तेजवीर सिंह समेत कई समाजसेवी शामिल रहे। कन्नौज में महाशिवरात्रि के मौके पर सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर के बारे में कहा जाता है कि यहां जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और यहां राजा हर्षवर्धन अपने 1001 पुजारियों के साथ पूजा अर्चना करते थे। मंदिर के पुजारी की माने तो किसी समय में मंदिर के पास गंगा बहा करती थी। आज बाबा का विवाह सम्पन्न हुआ था, इसलिए बाबा का महत्व अधिक से अधिक। आज बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।